हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर सब्सक्राइब करने के बाद आप ये बेल आइकन दबाएंगे तो हमारे जितने भी अपलोड्स हैं, जितने भी पॉपुलर अपलोड्स हैं, वो आपके पास ऑटोमेटिक मिलते चले जाएंगे। और साथ में आपको मिलेंगे हमारे सारे पॉपुलर चैनल्स जिसे देखकर आप इंटरटेन होंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज टैप द बेल। थैंक यू। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि अप्सरा साधना क्या है और अप्सरा साधना के फायदे क्या हैं। देखिए, बिना फायदे तो कुछ करता नहीं है, तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि अप्सरा साधना क्या होता है। देखिए, मेनका, उर्वशी, रंभा जैसे नाम सुनते ही आपके दिमाग में इंद्रलोक की कमनीय सुंदर अप्सराओं के चित्र आंखों के सामने आ जाते होंगे। कहा जाता है कि व्यक्ति अपने सदकर्मों के बल पर ही स्वर्ग जा सकता है और इन अप्सराओं के साथ रह भी सकता है, परंतु यह भी एक सत्य है कि मंत्र और योग शक्ति के बल पर इन अप्सराओं को स्वर्गलोक से पृथ्वी पर आने के लिए और साथ रहने के लिए विवश किया जा सकता है। तो ये अप्सरा साधना से बहुत हद तक जो लोग जानते हैं एक्चुअल, वो लोग संभव कर देते हैं। अप्सरा इंद्रलोक की सुंदर नारी है जो देवराज इंद्र की सेवा में सदैव तत्पर रहती है, जैसा कि हमने शास्त्रों में पढ़ा है। यह सामान्य नर्तकी मात्र नहीं होती, वरन दैवीय शक्ति होती है इनके अंदर। जिस भी व्यक्ति को अप्सरा मिल जाती है उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं रह जाता है। तो प्रेम को अभिव्यक्त करने का सौभाग्य और सशक्त माध्यम है अप्सरा साधना। हिंदू पौराणिक कथाओं में ऐसी अपूर्ण सुंदरियों का उल्लेख मिलता है जो अपनी मोहक और कामुक अदाओं से किसी को भी अपना दीवाना बना देती थी। आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मानव जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य तो धर्माचरण करते हुए अपने दायित्वों का निर्वाह कर मोक्ष की प्राप्ति करना होता है। और इसके साथ ही मानव की एक मुख्य आवश्यकता होती है आकर्षक व्यक्तित्व, जिसके सहारे वो आत्मविभोर होकर जीवन के अनेक विषमताओं को सहजी पार कर लेता है। जो व्यक्ति अभिनय के क्षेत्र में सफल होने की इच्छा रखते हैं अथवा अपने जीवन के रूप, सौंदर्य, यौवन, आकर्षक व्यक्तित्व, मन के अनुकूल जीवन साथी, कार्य क्षेत्र में मन के अनुकूल अधिकारी या सहकर्मी और जीवन में प्रेम सौहार्द आदि की हीनता के कारण मानसिक पीड़ा से व्यथित हैं, तो ऐसे व्यक्ति के लिए अप्सरा साधना संपन्न कर लेना सर्वोत्तम मार्ग होता है। सनातन धर्म के वैदिक और अगम शास्त्रों में प्राचीन काल से ही अप्सराओं की साधना का प्रचलन रहा है, क्योंकि इनकी साधना वैदिक देवी देवताओं की साधना से कहीं अधिक सहज और सरल होती है। यही लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। मतलब ये अप्सराएं किसी को भी दीवाना बना देती हैं। ये खूबसूरत युवतियां अपनी मोहक अदाओं में फंसकर अपना सब कुछ गवा बैठते हैं जो जेंट्स होते हैं। ऋग्वेद और महाभारत में कई अप्सराओं का उल्लेख है। स्वर्ग की चार अत्यंत सुंदर, जिन चार अप्सराओं का ज्यादातर उल्लेख किया जाता है उसमें है उर्वशी, मेनका, रंभा और तिलोत्तमा। और कहा जाता है कि उन्होंने अपने रूप, सौंदर्य और कामुक अदाओं से कई ऋषि मुनियों की तपस्या भंग की है और उन्हें पथभ्रष्ट भी कर दिया है, विश्वामित्र को भी रिझाया है। और इन अप्सराओं का सबसे ज्यादा उपयोग इंद्र ने किया है। ऋषि विश्वामित्र की कठोर तपस्या से इंद्र को यह भय हुआ कि कहीं वे उनका सिंहासन पर कब्जा नहीं कर लें, जिस पर उन्हें विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए उस समय अप्सरा रंभा को पृथ्वी पर लोक पर भेज दिया था। और रंभा ने अपने मोहक अदाओं से विश्वामित्र को लुभाने का प्रयास किया, पर विश्वामित्र ने उसे श्राप दिया और वो पाषाण मूर्ति बन गई। फिर रंभा के असफल रहने पर इंद्र ने रंभा से भी ज्यादा खूबसूरत अप्सरा मेनका को भेजा, जिसने पहले एक युवती का रूप धरा और फिर अपनी मोहक और कामुक अदाओं से विश्वामित्र को वश में करके उनका तप भंग कर दिया। तो अप्सराएं तो होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन अप्सरा की साधना के मार्ग शास्त्रों में दिए हैं, लेकिन साधना तभी सफल होती है जब अपने काम भाव को नियंत्रण रखा जाए। आपको नियंत्रित रखना पड़ेगा। यदि काम वेग या काम भाव से साधना करी तो सफल नहीं होती है।
साधना काल को छोड़ काम भावना परेशान करे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साधना के दौरान काम भाव पर ध्यान ना देकर साधना पर ध्यान देना चाहिए। आपने किससे भी सुने ही होंगे कि इस अप्सरा ने इस ऋषि की साधना भंग कर दी। मतलब यह कि उन ऋषि में साधना के दौरान काम भाव आ गए और ऐसी देवियों के प्रेम में पड़कर क्या करना है। वो तो ऋषि थे, हम मनुष्य की क्या औकात है। तो इसकी अपनी विधि है, तो विधि तो मैं इस वीडियो में आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि विधि बताई नहीं इस वीडियो में, इसलिए भी नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैं इसके जो विधि विधान है वो मैं आपको अगली वीडियो बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि इसके लाभ क्या क्या होते हैं, तो वो लाभ बताने जा रहे हैं आपको जो मुख्य लाभ हैं। देखिए, अप्सरा साधना संपन्न करने से अत्यंत कम समय में ही उत्तम अभिनय की कला, रूप सौंदर्य यौवन आकर्षक व्यक्तित्व, मन के अनुकूल जीवन साथी और कार्य क्षेत्र में मन के अनुकूल अधिकारी या सहकर्मी व जीवन में प्रेम सौहार्द यौवन आदि की अपेक्षित परिणाम प्राप्त होते हैं। तो जो सज्जन, अभी जो मैं आपको बता रहा हूं कि जो सज्जन ये करना चाहते हैं उनके लिए मैं आपको बताता हूं, जो सज्जन पूर्ण रूप से हृष्ट पृष्ट हैं, मतलब हेल्दी हैं, और ये होते हुए भी आकर्षक व्यक्तित्व नहीं होने के कारण अन्य लोगों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाते हैं तथा हीन भावना से ग्रस्त होते हैं, तो उनके लिए तो ये बेनिफिशियल है। तो इस साधना के प्रभाव से उनका जो व्यक्तित्व होता है वो आकर्षक और चुंबकीय हो जाता है तथा उनके संपर्क में आने वाले सभी लोग उनकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। ये बेनिफिट है। दूसरा जो बेनिफिट है, जो सज्जन ऐसा मानते हैं कि वो अन्य लोगों को अपनी बात या कार्य से प्रभावित नहीं कर पाते हैं, तो इस साधना के प्रभाव से उनका व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक और चुंबकीय हो जाता है तथा उनके संपर्क में आने वाले सभी लोग उनकी ओर आकर्षित होकर उनकी बातों या कार्य से प्रभावित होने लगते हैं। अभी जो सज्जन कार्य क्षेत्र में मन के अनुकूल अधिकारी या सहकर्मी नहीं होने के कारण असहज परिस्थितियों में नौकरी करते हैं या नौकरी चले जाने का भय रहता है, तो इस साधना के प्रभाव से उनके अधिकारी और सहकर्मी उनके साथ मित्रवत हो जाते हैं तथा नौकरी चले जाने का भय भी समाप्त हो जाता है। जो सज्जन सुंदर रूप सौंदर्य की इच्छा रखते हैं किंतु प्रकृति द्वारा कुरूपता से दंडित हैं, तो इस साधना के प्रभाव से उनके अंदर आकर्षक रूप सौंदर्य निखर जाता है। जो सज्जन युवावस्था में होने पर भी पूर्ण यौवन से युक्त नहीं होते हैं, तो इस साधना से उनके अंदर उत्तम यौवन और व्यक्तित्व निखर कर आता है। जो सज्जन अभिनय के क्षेत्र में सफल होने की इच्छा रखते हैं किंतु सफल नहीं हो पाते हैं, तो इस साधना के प्रभाव से उनके अंदर उत्तम अभिनय की क्षमता की वृद्धि होने के साथ साथ अभिनय में सफल होने की स्थितियां उत्पन्न हो जाती है। जिन सज्जनों के वैवाहिक पारिवारिक सामाजिक जीवन में क्लेश और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो, तो इस साधना के प्रभाव से उनके वैवाहिक पारिवारिक और सामाजिक जीवन में प्रेम सौहार्द की स्थितियां उत्पन्न हो जाती है। जो सज्जन मन के अनुकूल या जो आदमी मन के अनुकूल सुंदर जीवन साथी पाना चाहते हैं किंतु किसी कारणवश यह संभव नहीं हो पा रहा है, तो इस साधना के प्रभाव से उनको मन के अनुकूल सुंदर जीवन साथी प्राप्त होने की स्थितियां उत्पन्न हो जाती है और मनचाहा जीवन साथी मिल जाता है। तो आप सक्सेस के काफी करीब हो जाते हो। हालांकि साधना बड़ा सरल है, तो इस साधने की जो विधि है वो बिल्कुल मैं बताऊंगा, पर इस साधना को करने के लिए आपको एक योग्य गुरु की आवश्यकता होती है और वो योग्य गुरु के देखरेख में ही आपको इस साधना को करना होगा, क्योंकि कोई भी साधना यदि आप करते हैं और वो गलत तरीके से हो गया आपसे तो हो सकता है कि आपको फायदा होने के स्थान पर आपको नुकसान हो जाए। तो आपको एक सही गुरु की तलाश करनी पड़ेगी। विधि तो मैं आपको बता दूंगा जो विधि विधान होता है, क्योंकि अप्सरा साधना बड़ा ही सरल होता है जिससे आप कर सकते हैं, पर बिना गुरु के ये पॉसिबल भी नहीं है। तो धन्यवाद।
आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए, और हम चाहेंगे यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप उन्हें शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।